मैं अनुश्री भारद्वाज रगला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। प्रशासन की छापामारी के बाद भी जसपुर में अवैध खनन जारी। रुद्रपुर में स्वास्थ्य कर्मियों का सीएम को ज्ञापन। रुद्रपुर में भूख हड़ताल पर बैठे श्रमिक। टनकपुर चंपावत सड़क हादसे में 3 की मौत। एम्स में दिखाया जा रहा मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रास्ता, वीडियो हुआ वायरल। खबरें विस्तार से। परिवहन कर अधिकारी काशीपुर निवासी जसवीर सिंह ने अज्ञात कारणों के चलते आज सुबह अपने घर में अपनी लाइसेंसी बंदूक से कनपाजी पर गोली मार ली। उसे गंभीर अवस्था में सवोता अस्पताल में भर्ती कराया था। हालत बिगड़ने पर उसे केवीआर अस्पताल रेफर कर दिया है। चिकित्सक के अनुसार सिर में गोली फंसने के कारण अभी तक उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। अरे पोता किसका है? देवर्पण पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए, देवर्पण चिप्स टैंगी टोमेटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवर्पण चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर्स रेस में पार्टनर? 2। देवर्पण क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। ऋषिकेश एम्स से एक वीडियो के वायरल होने से खलबली मच गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक युवक मरीज के तीमारदारों को बेड न मिलने पर उन्हें देहरादून के एक निजी अस्पताल में सस्ते इलाज का झांसा दे रहा है। अनुमान है कि वीडियो में जो शख्स मरीज के तीमारदारों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वह एम्स के बाहर संचालित होने वाली एक एम्बुलेंस यूनियन से जुड़ा कोई संचालक है। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। दोनों में देख लो, सरकारी हॉस्पिटल है। अगर दोनों में एडमिट नहीं होता तो दोनों का बिल्कुल काम नहीं है। फादर दोनों बिल्कुल काम नहीं। एक बार देख लो, 50-60 हज़ार का तो बजट होगा तुम्हारा या नहीं? देखो कोई भी हॉस्पिटल हो, देखो 50-60 हज़ार रुपये तो लग ही जा, तो 50-60 हज़ार तो आदमी कर ही ले इधर उधर से, रिश्तेदार बता 10-20 हज़ार रुपये ले। अभी रात में नहीं, रात का कोई मैटर नहीं है। वो इलाज चालू कर देगा, तुम 2 दिन में दे दियो, 1 दिन में उन्हें कह दियो कि आज हम जुगाड़ कर देंगे। दून सरकारी है, उसके सामने जो फरर दून है वो प्राइवेट है। अपने हमारी एम्स के बाहर आप सभी लोग से शायद परिचित हैं उन सभी चीज़ों से, और उसमें भी ये हमारे साथ ही पहले चलती थी। अब इन्होंने क्या करा कि अपनी एक अलग यूनियन बना दी है, उसमें ये 5-6 लोग चलते हैं। अब इनका कहने का मतलब ये है कि आप हमारे अनुसार चलेंगे, जबकि हमारी पुरानी यूनियन तो हम इनके अनुसार चल ही नहीं सकते। ये महिला आए दिन झगड़ा करती है आए दिन, जबकि इसकी रिपोर्ट्स पुलिस में भी हैं, थाने में भी, कोतवाली में, सब में चल रही है। आए दिन झगड़ा करती है, खाली ये लेडीज़ होने का फ़ायदा उठा रही है अपना। और हमारी यूनियन में सब लोग जेंट्स हैं, ये 2 महिलाएँ हैं, एक पुरुष है इनके साथ, दीपक सरोहा, उमा शर्मा, दीपिका अग्रवाल। ये तीनों लोग साजी षड्यंत्र से आते हैं, हम लोगों पे हमला करते हैं। और जब हम लोग इनकी तरफ, जैसे ये हम पे हाथ, हम इनका बीच बचाव करते हैं, तो ये हम पे एलिगेशन लगा देते हैं कि इन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ करी है, क्योंकि महिला का मामला है। आपको पता है महिला की आजकल ज़्यादा सुनवाई है। हमारे यहाँ से पेशेंट जाता है उनकी मर्जी से जाता है, वो कहते हैं हमें इंद्रेश जाना है तो हम इंद्रेश जाता है, वो कहते हैं हमें दून हॉस्पिटल जाना है तो दून हॉस्पिटल, वो सहारनपुर XYZ, उसे कहीं भी जाना, हमारा माध्यम रहता है उसको उसके मंजिल तक पहुंचाना। अब ये लगा रहे हैं पनेसिया हॉस्पिटल के दलाल घूम रहे हैं पनेसिया हॉस्पिटल के, जबकि ये खुद दलाल हैं, इनकी वीडियोज़ हमारे पास है, ये खुद दलाली कर रहे हैं एम्स के अंदर कि अब यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ, ऐसा कुछ चल रहा है। तो हमारा शासन प्रशासन और पुलिस से यही आग्रह करता हूँ कि इस लेडीज से किसी न किसी तरह हमें छुटकारा दिलाया जाए। काशीपुर के विख्यात चैती मेले में सक्रिय चेन स्नैचिंग गिरोह पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। आज थाना RTI पुलिस टीम ने इस गिरोह की 2 महिलाओं व 1 युवक को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 सोने की चेन व 4 सोने के लॉकेट बरामद किए। ये जो हमारा तो इसी में फिर हमने अपनी सादा वर्ग में अपनी पुलिस लगाई, कुछ मजदूर लगाए और उनकी मदद से हमने कुछ चेन जो छीन रहे हैं उनको पकड़ा है और उनसे कुछ माल भी बरामद किया है। उसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है, उनको हमने पकड़ा है और उनके कब्जे से 2 सोने की चेनें और 4 लोकेट हमने बरामद किए हैं और 3 के खिलाफ थाने में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। Thank you.
जैन की फैक्ट्री गोदाम से हुई चोरी के आरोपित राजू को बांसीवाला मंदिर के पास से धर दबोचा। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी निवासी केदारनाथ के ई रिक्शा को चुराने वाले दीपक कोहली को खोखरा मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। चोरी का मामला क्षितिज जैन है, उनका कहना है कि हमारी फैक्ट्री से सामान चोरी हो गया था, तो फिर हमने अभी पंजीकृत किया और चोर को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से सामान भी बरामद कर लिया है। सर कोई सामान बरामद किया है तो उसमें दो पंखे, एक मोटर, दो कुली और ये और भी चीज़ें हैं, तीन गरारी, ये सामान हमने बरामद कर लिया है और कुछ सामान उसका कहना है कि मैंने कबाड़ी को भेज दिया, तो चंपावत जिला सभागार में जिलाधिकारी विनीत तोमर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। त्रैमासिक बैठक में जिलाधिकारी विनीत तोमर ने विभाग के संबंधित अधिकारियों को रोड एक्सीडेंट पर लगाम लगाने व यातायात के नियमों का कड़ाई से पालन करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री शायरा बानो ने काशीपुर स्थित एलजी भट्ट राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस बीच अस्पताल में प्रसव के नाम पर अवैध वसूली का मामला प्रकाश में आया। शायरा बानो ने बताया कि मरीजों का आरोप है कि बड़े ऑपरेशन के बहाने अस्पताल की महिला डॉक्टर आशाओं के माध्यम से 5,000 रुपए तक वसूल रही हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों से पैसे आशाओं के माध्यम से लिए जाते हैं, इसीलिए इस जरूरी है कि डॉक्टर खुद मरीजों के संपर्क में रहे ताकि मरीजों के साथ हो रही ठगी को रोका जा सके। जसपुर में उपजिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई करने के बाद भी अवैध खनन का कारोबार जारी है। इस समय खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे प्रशासन की कार्रवाई को भी अनदेखा करने लगे हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जिलाधिकारी महोदय को एक लेटर प्रेषित किया जा रहा है कि इनके जो भी पट्टा है उसको निरस्त करने के लिए, और साथ ही कोतवाल को भी निर्देशित कर दिया है कि तत्काल इसमें जितने भी यहाँ से ट्रक निकल रहे हैं उनकी जांच अवश्य कर लें, क्योंकि मुझे भी कुछ कंप्लेन मिली थी कि रात्रि में इसमें खनन किया जा रहा है, और उसी को दृष्टि कर यहाँ पर जितनी भी चौकियाँ हैं उनको भी निर्देशित कर दिया है कि आप रात्रि में कोई भी प्रकार के डंपर आते हैं अवैध खनन होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी रहती है। कल जो मेरे द्वारा वहाँ पर देखा गया था, यहाँ पर मुख्यतः तो अनीस नाम के एक व्यक्ति हैं और जो कि बताया जा रहा है कि इनके जो खनन वाले हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, साथ ही इसमें जो ग्राम प्रधान राजपुर है उनका नाम भी इसमें सामने पर आ रहा है, और इसमें और भी लोगों की संलिप्त होने की संभावना है तो उसको भी हम चेक करेंगे। वैसे तो क्योंकि हमारे द्वारा कार्य रोक दिया गया है और जो भी उनकी मात्रा है उन जो भी इनको दिया गया था 1544 घन मीटर उससे कहीं ज़्यादा इनके द्वारा खनन कर लिया गया है, जिसकी पेनल्टी लगाने के लिए हमारे द्वारा संस्तुति कर ली गई है और ये सारा का सारा जो खनन है अवैध हो रहा है। पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी माँ भगवती की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि गांगेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए घास मंडी में समाप्त हुई। इस दौरान श्याम सेवक मंडल ट्रस्ट काशीपुर ने मुख्य चौराहे पर यात्रा में सम्मिलित लोगों को ठंडा शरबत वितरित किया। आज यहां पर मां भगवती की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, इस बारे में बताइए। माँ भगवती की विशाल शोभा यात्रा हर साल के बाद ही इस साल भी गंगेश्वर महादेव से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए बनारस प्रताप जो होते हुए सिंघान में सिंघान घास मंडी में ये समाप्त होगी। आज मुख्य बाजार बनारस प्रताप चौक पर श्री श्याम सेवक मंडल काशीपुर की ओर से शरबत का कार्यक्रम रखा गया और बाकी सारे हमारे जो श्याम सेवक मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो सारे सब लगे हुए हैं माता रानी के पास, सारे काशीपुर वासियों का ऐसे ही बने रहे। टनकपुर चंपावत सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एसडीएम के मुताबिक अमोड़ी के पास गहरी खाई में मैक्स के गिरने की सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर घायलों को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल ले जाते वक्त 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल है। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। मैक्स की दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जो कि एक नीचे खाई में गाड़ी जाके गिर गई थी, जिसमें टोटल 7 लोग जो थे वो उस वक्त घायल हुए थे। 7 लोगों इन जो घायल थे इनको टनकपुर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया है। इनमें से 3 लोग जो हैं वो ब्रॉड डेड हैं, जिनकी यहाँ पहुँचने से पहले मृत्यु हो चुकी थी, और 3 लोग अभी घायल हैं। इन 3 में से 2 जो सीरियसली जो इंजर्ड हैं उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है, एक का ट्रीटमेंट यहीं पर किया जा रहा है और एक जो छोटा बच्चा है वो भी पूरी तरीके से स्वस्थ है और उसको भी यहीं पर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यूथ
राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन में आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों ने अपनी नौकरी पर मंडराते हुए संकट को लेकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि कोरोना काल में उनके द्वारा मरीजों की देखभाल की गई, लेकिन अब उनकी नौकरी पर संकट आ गया है। उन्होंने सरकार के इस तरफ ध्यान केंद्रित न करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। सीएम साहब से मुलाकात हुई, मतलब उनको ज्ञापन दिया गया हमारा। हम पूरे कोरोना काल में हमने सब ड्यूटी करी, हमने जिसमें नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, एलटी, ये सब जितने भी सब हैं, सबकी मांगे हैं कि हम लोग को प्रमाण किया जाए। और हम सरकार से सब इतनी डिमांड है हमारी मुख्यमंत्री सर से कि हमारी बात सुनी जाए, और उन्हें हमें आश्वासन दिया गया है कि हम आपको प्रमाणित करेंगे, लेकिन आश्वासन सिर्फ मौखिक रूप से कहा है, कोई लिखित रूप से हमारे कोई भी वो नहीं आया हमारे पास। तो बस यही हमारी है कि हमारी समस्या सुनी जाए। क्या लिखा ज्ञापन में आपके द्वारा? ज्ञापन में जो भी हमने कोरोना काल में काम किया, पिछले दो साल से हम लोग पर्टिकुलर काम करते हुए आ रहे हैं, और अचानक से एक लेटर आता है और जिसमें हमें हटाने की बात कही गई है, और सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि आगे बहाली के लिए हमें बोला गया है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी जियो पास नहीं हुआ है, और ये पूरे उत्तराखंड की समस्या है। रानी जी, आपको सीएम यहाँ के डीएम ने टाल दिया, आप सीएम में टाल दिया, अगर सीएम भी टाल देते हैं तब क्या करेंगे, एक्शन क्या रहेगा? सर, हमारा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे हम हड़ताल कर रहे हैं अभी भी, आगे भी ऐसे करेंगे, और आगे और ज़्यादा हम स्तर लेवल पे करना चाहेंगे, अब सबको साथ लेके। जसपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में गढ़ी नेगी नहर में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये अभी अभी कुंडा थाने में सूचना आई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत तुमड़िया डैम है, तो वहाँ पे दो बच्चे नहा रहे थे, तो नहाने के दौरान उनके डूब गए, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। और इनमें से एक लड़का बिजनौर का है और एक जसपुर का है। तो जो बिजनौर का है उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल काशीपुर में अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है, और जो जसपुर वाला है उसकी कार्रवाई जसपुर में चल रही है। लोहाघाट के गुमदेश में प्रसिद्ध चतोले मेले का आयोजन किया गया। मेले में पंडित शंकर दत्त पांडे ने जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति ग्राय, एसडीएम रिंकू बिष्ट, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की मौजूदगी में पूरे विधि विधान से चौखाम बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान क्षेत्र के हजारों लोग व नेपाल के सैकड़ों लोग चौखाम बाबा के दर्शन करने मेले में पहुंचे। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। मेला हमारे क्षेत्र का बड़ा आस्था और श्रद्धा और विश्वास का मेला है। यह बताते हैं कि जब यहाँ पर बकासुर व्यक्ति का अत्याचार हो गया था, उसने यहाँ पर मनुष्यों को खाने के लिए बारी लगा दी थी, तब चमू चौखाम ने कोकिला नाम की वृद्धा को वचन दिया था और उसके पौत्र की रक्षा की थी, बकासुर व्यक्ति का वध किया था। तब उस वृद्धा ने उस समय कहा था, बताते हैं कि जब वन में पात नहीं होगा, घर में भात नहीं होगा, आकाश में तेरा काज करूँगी। तो उसी समय से यहाँ के लोगों के द्वारा इस मेले को श्रद्धा विश्वास पूर्वक बड़ी आस्था से प्रथम चैत्र नवरात्रि से दसवीं, यदि चैत्र की नवरात्रि में पड़ती है तो दसवीं को, यदि यह चैत्र की नवरात्रियां बैसाख में पड़ती हैं तो मुख्य मेला एकादशी को बैसाख के महीने में जो है आयोजित किया जाता है। 10 गांव के यहां पर जत्थे आते हैं, मढ़ गांव से यहां से रथ और सिंहासन आता है। सभी लोग बड़ी श्रद्धा विश्वास पूर्वक चमू चौखाम देव को अपनी श्रद्धा भक्ति भेंट जो है अर्पित किया करते हैं। बड़े आस्था और विश्वास, बड़े प्रवासी लोग यहाँ का यह पर्व है, प्रवास से प्रवासी लोग अवश्य इस मेले में, हमारे क्षेत्र के इस मेले में आया करते हैं। यह गुमदेश क्षेत्र का ही नहीं, अभी तो हमारे समीपस्थ जिले पिथौरागढ़ और समीप के राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्र है नेपाल के लोगों का भी यह एक प्रसिद्ध मेला है, जिसमें तमाम जगह के लोग आकर के इस मेले को गौरवान्वित किया करते हैं। यह संस्कृति सभ्यता रीत रिवाज परम्परा और का यह एक आदर्श मेला हमारे देश में चला आ रहा है, हमारे क्षेत्र में चला आ रहा है। मैं मेले की ओर से जितने भी आगंतुक हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्होंने मेले को गौरवान्वित किया, हमारी परंपराओं को बनाए रखा, जत्थेदार लोग भी धन्यवाद के बात है। लोहाघाट में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत 36वीं वाहिनी ITBP द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में हिमवीरों ने रक्तदान किया। शिविर में चंपावत से डॉक्टर राशि भटनागर व पैथोलॉजिस्ट हेम बहगुड़ा ने एवं ITBP के डॉक्टर अनिल द्वारा 18 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस दौरान द्वितीय कमान अधिकारी मंजीत सिंह धामी ने हिमवीरों का हौसला बढ़ाते हुए रक्तदान महादान होने की बात कही। संवाददाता लक्ष्मण सिंह विश की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।